हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व है और कहते हैं कि जो लोग भक्ति भाव के साथ एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। हर महीने की एकादशी का नाम और महत्व अलग अलग होता है। पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी कहते हैं। शास्त्रों के अनुसार सफला एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के सारे कार्य सफल हो जाते हैं। पंचांग के अनुसार 2024 की पहली एकादशी 7 जनवरी को मनाई जाएगी। इस दिन सुबह 8:33 से लेकर दोपहर 12:27 तक पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। सूर्योदय से व्रत शुरू होकर अगले दिन सूर्योदय के बाद समाप्त होगा। इस दिन रात्रि जागरण करने का भी विधान होता है। अब जानते हैं इस दिन पूजा करने की विधि। सफला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की मूर्ति को ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए पंचामृत से स्नान आदि कराकर वस्त्र, चंदन, जनेऊ, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, ऋतुफल, पान, नारियल आदि अर्पित करके कपूर से आरती करें और रात के समय जागरण करके यदि व्रत का पारण किया जाए तो ये बहुत ही उत्तम फलदायी माना जाता है। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी जरूर करें, ये बहुत ही लाभकारी माना जाता है। चलिए अब जानते हैं इस दिन की पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के मुताबिक चंपावती नगर का एक राजा था जिसका नाम महिष्मत था। उसके 5 पुत्र थे। महिष्मत का बड़ा पुत्र लुम्बक हमेशा बुरे कामों में लगा रहता था। उसके इस तरह की हरकतों की वजह से राजा ने उसे राज्य से बाहर निकलवा दिया। वह वन में चला गया और चोरी करने लगा। एक दिन जब वह रात में चोरी करने के लिए नगर में आया तो सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया, लेकिन जब उसने अपने आप को राजा महिष्मत का पुत्र बतलाया तो सिपाहियों ने उसे छोड़ दिया। फिर वह वन में लौट गया और वृक्षों के फल खाकर जीवन बिताने लगा। वह एक पुराने पीपल के वृक्ष के नीचे रहता था। एक बार अनजाने में ही उसने पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत कर लिया। उसने पौष मास में कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वृक्षों के फल खाए और पूरी रात ठंड का कष्ट भोगा। सूर्योदय होने पर भी उसे होश नहीं आया। एकादशी के दिन भी लुम्बक बेहोश पड़ा रहा। दोपहर होने पर उसे होश आया, तब उसने पीपल के वृक्ष की जड़ में बहुत से फल रखे और निवेदन करते हुए कहा, इन फलों से लक्ष्मीपति भगवान विष्णु संतुष्ट हो। ऐसा कहकर लुम्बक रात भर सोया नहीं। इस प्रकार अनजाने में ही उसने सफला एकादशी व्रत का पालन कर लिया। उसी समय एक आकाशवाणी हुई कि राजकुमार लुम्बक, सफला एकादशी व्रत के प्रभाव से तुम राज्य और पुत्र प्राप्त करोगे। आकाशवाणी के बाद लुम्बक का रूप दिव्य हो गया। तब से उसकी उत्तम बुद्धि भगवान विष्णु के भजन में लग गई। बाद में वह अपने पिता के राज्य में चला गया और उसने सारी बातें बताई, जिसके बाद राजा ने अपना पूरा राज्य अपने बेटे लुम्बक को सौंप दिया। कुछ सालों बाद लुम्बक का पुत्र हुआ। जब वह बड़ा हुआ तो लुम्बक ने सारा राज्य अपने पुत्र को सौंप दिया और वह स्वयं भगवान कृष्ण की भक्ति में रम गया। अंत में सफला एकादशी के व्रत के प्रभाव से उसने विष्णु लोक की प्राप्ति की। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।